नमस्कार दोस्तों, हमने कई सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहां पर एम्प्लॉइज अपने यूएएन में बैंक केवाईसी ऐड करते समय कुछ गलती कर जाते हैं और यहाँ वहाँ पर जो है अपने बैंक अकाउंट नंबर गलत कर देते हैं या तो फिर गलत नंबर डाल देते हैं। तो दोस्तों, ऐसे मामले में क्या होता है कि जब अगर कभी क्लेम कर भी देते हैं तो क्लेम सेटल हो जाने के बाद फिर रिटर्न हो जाता है ईपीएफओ के पास पैसे। तो दोस्तों, ऐसे केसेस के लिए ईपीएफओ की एक नई अपडेट जो है आई है, जिसके तहत जो है आप लोगों को ऐसे केसेस में काफ़ी सहूलियत मिलने वाली है क्लेम करते समय। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए और इसी तरीके से जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले आप हमारा वीडियो देख सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पास या तो इस तरीके की पासबुक हो आपकी बैंक की या तो फिर इस तरह से चेकबुक, अगर चेकबुक हो तो ज़्यादा बेटर है। तो देखिए, अगर आपके पास चेकबुक नहीं है तो आप पासबुक का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको इस तरीके से कैंसिल चेक बना लेना है। सबसे पहले आपको कैंसिल चेक किस तरीके से बनाना है, यहाँ पर बीचों बीच दो लकीर यहाँ पर कर देना है और लिख देना है कैंसिल, और यहाँ पर रुपीज़ वाले कॉलम में आपको जो है कैंसिल का इस तरीके से निशान लगा देना है और यहाँ पर डेट मंथ वाले यहाँ पर कॉलम में। उसके बाद लेकिन दोस्तों, आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि आपकी आईएफएससी कोड जो ऊपर रहती है वो क्लियरली दिखना चाहिए और आपकी जो है यहाँ पर अकाउंट नंबर इस तरीके से क्लियर दिखना चाहिए, आपको यहाँ पर निशान नहीं लगाना है। अगर दोस्तों आपके पास चेकबुक नहीं है तो आपको क्या करना है कि इस तरीके से आपकी पासबुक लेनी है और सबसे पहला वाला पेज में, फ्रंट पेज में जहाँ पर आपकी एड्रेस वगैरह, नाम और खाता नंबर वगैरह रहता है, इस पेज को ले लेना है और या तो इसका जो है इस तरीके से आपको मोबाइल से फ़ोटो ले लेना है। तो जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद चलिए मैं आपको पोर्टल में ले जाकर बता देता हूँ किस तरीके से आपको इसको यूज़ में लेना है। और दोस्तों, ये बात ध्यान में रखना है कि जिसका पीएफ अकाउंट है उसी के नाम का जो है यहाँ पर बैंक खाता भी होना चाहिए, आप दूसरे का जो है बैंक खाता यहाँ पर अपलोड नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप यूएन मेंबर पोर्टल पर लॉगिन करते हैं और यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज में जाते हैं अपनी क्लेम सबमिट के लिए, तो दोस्तों यहाँ पर जैसे फॉर्म 31 सिलेक्ट करेंगे तो दोस्तों सारी चीज़ें यहाँ पर फॉर्म में जो पहले खुलती थी उसी टाइप से हैं। लेकिन अगर आप नीचे आएंगे तो आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर लिखा है अपलोड स्कैंड कॉपी ऑफ कैंसल्ड चेक और पासबुक। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आप पासबुक या तो फिर कैंसल चेक आप अपलोड कर सकते हैं अपने बैंक प्रूफ के तौर पे। लेकिन इसके लिए जो है क्या जो है बताया गया है, तो देखिए यहाँ पर जेपीजी या तो फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए और 50 KB मैक्सिमम होना चाहिए, 50 KB से ज़्यादा ना हो। अगर आपकी खींची हुई फ़ोटो मान लीजिए कि 50 KB से ज़्यादा हो जाती है तो बहुत सारे प्ले स्टोर में आपको ऐसे ऐप मिल जाएंगे जो आपकी इमेज को जो है कन्वर्ट करके उसकी साइज़ को छोटा कर देंगे। तो दोस्तों उसके बाद आप इसे यहाँ पर चूज फाइल करके यहाँ से अपलोड कर देंगे, इससे आपके बैंक के चांसेस जो है कैंसिल होने के बहुत कम हो जाएंगे और आपकी जो सेटल होगी वो एब्सोल्युटली 100% हो ही जाएगी। तो दोस्तों आशा रखता हूँ आपको ये अपडेट पसंद आई होगी और हमारी ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।